हे बच्चों, क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये हैं श्रीमान पायथन, जो सबसे बड़े सांपों में से एक हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं सांपों के बारे में और उनकी भूमिका हमारे एनवायरनमेंट में। हेलो श्रीमान पायथन। ज़ूम मैन। कुछ लोगों को सांप पसंद हैं, कुछ को नहीं, और कुछ तो उनसे डरते भी हैं। पर आप उनके बारे में चाहे जैसा भी सोचते हो, सांप कैमोफ्लाज के माहिर होते हैं, हुनरमंद शिकारी और चैंपियन ईटर्स भी। सांप रेप्टाइल्स होते हैं और इनकी 2900 से ज्यादा प्रजातियां होती हैं। ये तरह तरह के रंगों और पैटर्न्स के होते हैं। इनमें से करीब 375 सांप जहरीले होते हैं, पर सिर्फ 19 ही इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ सांप तो एक पेन से भी छोटे होते हैं, जैसे कि ब्रह्मिनी अंधा सांप, जो कि दुनिया का सबसे छोटा सांप है। पर अगर बात करें एनाकोंडा जैसे सांप की, तो वो आपकी स्कूल बस जितने बड़े हो सकते हैं। लेकिन सभी सांपों में कुछ आम बातें पाई जाती हैं, जैसे कि उनके लंबे, पतले और लचीले शरीर स्केल्स से ढके होते हैं और उनकी बाहां और पांव नहीं होते। सभी सांप मांसाहारी होते हैं और ज्यादातर खाते हैं रोडेंट्स जैसे माइस, खरगोश और चूहे, जो इंसानों का खाना और फसलें खाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। इस तरह से सांप रोडेंट्स की जनसंख्या पर काबू रखते हैं। हमें उनका आभारी होना चाहिए, क्योंकि उनकी मदद के बिना रोडेंट्स का दुनिया पर राज होता। दोस्तों, सांपों के 200 दांत हो सकते हैं, पर वो चबाने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो पीछे की तरफ नुकीले होते हैं, पर काटने और शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। सांप अपने मुंह से 3 गुने बड़े आकार के शिकार निगल सकते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके मुंह में पाए जाने वाले विशेष टेंडन्स बहुत ज्यादा लचीले होते हैं, और क्योंकि उनके जबड़े के दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं जैसे हमारे होते हैं। तो बच्चों, हमें उतना ही काटना चाहिए जितना हम चबा सकें, क्योंकि हमारे पास दिव्य सांपों की तरह अलौकिक शक्ति तो होती नहीं है। और हाँ, उनकी अलौकिक शक्तियां सिर्फ बहुत बड़ा शिकार खाने तक ही सीमित नहीं होती, उनमें अन्य शक्तियां भी होती हैं, जैसे हीट डिटेक्शन। वो अपनी खाल का रंग अक्सर बदल लेते हैं, वो अपने जबड़ों से सुनते हैं और अपनी जबान से सूंघते हैं, और कुछ सांप तो उड़ भी सकते हैं। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि सांप का जहर मारने के साथ इलाज भी कर सकता है? कई सांप शिकार को पहले अपने जहर से पैरालाइज या मार देते हैं, फिर उसे निगलते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी खोज की है कि वही जहर जिससे जहरीले सांप के काटे हुए लोगों को बहुत तकलीफ होती है या मृत्यु भी हो जाती है, उसी से दवा भी बनाई जा सकती है। दोस्तों, सांप बहुत ही ताकतवर जीव होते हैं, और हाँ, कुछ में जहर होता है, पर वो शिकारियों से उनकी सुरक्षा करता है। वैसे सांप काफी शांत स्वभाव और डिफेंसिव जीव होते हैं, जिन्हें अकेले में रहना बहुत ही पसंद होता है। जल्दी मिलते हैं कुछ और फन फैक्ट्स के लिए। अगली बार फिर मिलते हैं। मैं डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट।